खबर देखिए, उसके बाद एक मैप आपको दिखाता हूं और फिर चलेंगे एक्सपर्ट्स के पास। रूस का यूक्रेन पर चौतरफा हमला, रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा। रूसी सेना के टारगेट पर पूरा यूक्रेन है, पूरा यूक्रेन मतलब पूरे के पूरे यूक्रेन को घेरने और तमाम अहम शहरों और एस्टेब्लिशमेंट्स पर काबिज होना, लेकिन साथ में कीव को इस तरीके से घेरना कि फिर और कोई रास्ता ना रह जाए। रूस का यूक्रेन पर चौतरफा हमला, जरा ये मैप देखिए। और अगर अब तक आप यूक्रेन का नक्शा पहचानने लगे हैं तो ये रहा यूक्रेन, और किस किस जगह से, ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है जाहिर है ये रशिया है। रशिया में वो इलाका, पूर्वी इलाका जो यूक्रेन की तरफ मिलता है, उसमें ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बॉर्डर, इसमें जाहिर है कहीं से भी, खासतौर से ये रोस्तोव वाला इलाका जो इधर डोनबास वाले इलाके से लगता है, और इधर बेलगोरोद और इधर बेलारूस से भी उसकी सेनाएं अंदर आ रही हैं, और आखिरकार उनका जो डेस्टिनेशन है वो है ये कीव। इसके पहले खारकीव पर लगभग कंट्रोल की खबर आ चुकी है। खारकीव एक इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है और कीव से दूरी अब बहुत ज्यादा बची नहीं है। कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है मालूम नहीं इस वक्त, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बस अब आर्स की बात बची है, कुछ एक घंटों की बात बची है। ऐसे में जब ये कहा जा चुका है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हम इस लड़ाई में अकेले रह गए हैं, जाहिर है एक मुल्क की संप्रभुता की रक्षा सबसे पहले वहां के लोगों की जिम्मेदारी होती है, किसी और कंट्री के ऊपर यह छोड़ा नहीं जा सकता, ना ही किसी कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के ऊपर यह छोड़ा जा सकता। लेकिन ज़ेलेंस्की को क्योंकि यह भरोसा दिया गया, या उन्होंने भरोसे को इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि आज आप देखें हर तरफ से इधर क्रीमिया जो कब्जाया गया था वहां से तो अंदर सेनाएं प्रवेश कर ही रही हैं, हवाई हमले बोले जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है, और अंदर अब पैदल सेनाएं जा रही हैं या फिर उनको पैरा ड्रॉप किया जा रहा है, और कुछ ही देर में कीव को भी पूरे तौर पर अपने कब्जे में लेने की तैयारी है। एक और अहम खबर देखिए, रूस के फाइटर प्लेन से यूक्रेन पर बम गिराया गया। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन शहर पर बमबारी, रूस के फाइटर प्लेन ने यूक्रेन पर बम गिराया। सदर्न यूक्रेन खेरसॉन शहर, उस पर बमबारी, वो तमाम अहम ठिकाने जो यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण हैं, यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने की तैयारी, और आखिरकार कीव पर काबिज होने की तैयारी। आप देखें किस कदर सघन बॉम्बिंग की जा रही है यहाँ, और इसके बाद इन शहरों का हाल क्या होगा। हालांकि ज़्यादातर कोशिश रूस ये कह रहा है कि हमारी केवल मिलिट्री ठिकानों को ही निशाना बनाने की है, लेकिन फिर वही जिसे कोलेट्रल डैमेज कहा जाता है वो कितना हो रहा होगा, इसकी भी चर्चा होगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये फाइटर जेट्स जो इस पूरे इलाके को थर्रा रहे हैं, दहला रहे हैं। विनोद सर, ये जो अभी स्थितियां हम देख रहे हैं इसमें तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से रशिया अटैक कर रहा है, और यूक्रेन की तरफ से रेजिस्टेंस कि जो खबरें और तस्वीरें कम से कम देख रहे हैं वो प्रोपोर्शन में दिखाई नहीं दे रही हैं सर। विनोद सर, सवाल आपसे था सर, मुझे दोबारा दोहराएंगे, कुछ ब्रेक हो गया था। इस समय ये तस्वीरें देख रहा हूं और दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, ये यूक्रेन में खेरसॉन से आ रही तस्वीरें हैं, और यहाँ बहुत बुरी तरह बॉम्बिंग की जा रही है इन फाइटर जेट्स की तरफ से। ये कुल मिलाकर जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं उसमें रशिया और यूक्रेन में तो कोई मैच दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में कीव तो बहुत बहुत करीब दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल ठीक बोला आपने, वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर है बिल्कुल अलग है, और रशिया ओवरवेलमिंग पावर यूज कर रहा है वहां पर, उसने इस्तेमाल कर रहा है, मैनूवर भी है और एट्रिशन कम है इस लड़ाई में, बड़ा स्विफ्ट सा वॉर है। वो देखें 48 घंटे से कम में वो कैपिटल को उसने ले लिया है, उसने पैरा ड्रॉप करके एयरबर्न असॉल्ट करके, उसकी पुरानी तरीका है वॉरफेयर का, उसने चेकोस्लोवाकिया में किया था, उसने पहले भी हमेशा ये किया है,
कि एयर स्पेस को डोमिनेट करके एयरबॉर्न असॉल्ट करके अपने ट्रुप्स को आगे भेजता है और एट्रिशन नहीं है, मैनूवर से काम कर रहा है, हर एक तरह से उसको उसने घेर रखा है और कीप पे कब्जा करते ही उसका जो है पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाता है। उसके आगे हमने देखना है आगे क्या करता है, वो रिजीम चेंज तो होगी होगी, उसके आगे ये क्या करता है, कितना पीस आता है, कितना शांति आती है, ये भी दूसरों पर डिपेंड करेगा। लेकिन वहां पर जो एट्रिशन है वो वॉरफेयर जिस हिसाब से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से हो रहा है, रशिया बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन कर रहा है और मेरे हिसाब से ये जल्द ही स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, मोमेंटम मेंटेन कर रहा है और ये जल्द ही उसने अपने ऑब्जेक्टिव जो है कीव का वो अचीव कर लेगा। तो अगर ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है सर, तो ये जो रोमानिया हुआ है उसमें ये रोमानिया के शिप पर अटैक, ये कहीं कुछ आउट ऑफ द सिंक है या ये भी उसके तमाम प्लान के हिस्से में से एक हो? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।